नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में पहली से सातवीं की वार्षिक परीक्षाएं 2 से 4 अप्रैल तक। झारखंड में पहली से सातवीं क्लास तक की वार्षिक परीक्षाएं 2 अप्रैल से शुरू होगी। ये परीक्षाएं 4 अप्रैल तक चलेगी। 5 से 20 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा और 30 अप्रैल को परीक्षा परिणाम जारी कर बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। JCERT के निदेशक आदित्य रंजन ने सभी जिलों को निर्देश भी दे दिया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षाएं पहली पाली में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में 12:30 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित होगी। पहली क्लास की परीक्षा मौखिक होगी जबकि दूसरी की परीक्षा मौखिक व लिखित दोनों होगी। वहीं तीसरी से सातवीं की परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रकार से होंगे। पहली से पाँचवीं तक हर विषय के लिए 60-60 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं छठी से सातवीं तक के हर विषय के लिए 60-60 निर्धारित हैं, लेकिन गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के लिए 50-50 अंक का लिखित व 10-10 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। बागेश्वर धाम सरकार 15 मार्च को बाबा धाम सुनाएंगे प्रवचन। बागेश्वर धाम के सरकार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 15 मार्च को पहली बार झारखंड आ रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे चार्टर प्लेन से देवघर एयरपोर्ट आएंगे। वहां पर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करेंगे व उनकी अगुवाई में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। बाबा मंदिर से देवघर कॉलेज मैदान पहुँचेंगे। कॉलेज मैदान में दोपहर 1 बजे से 4:00 बजे तक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संत सम्मेलन में प्रवचन देंगे। वहीं देवघर कॉलेज मैदान में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के नेतृत्व में भव्य तैयारी की गई है। 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की सुविधा है। इस कार्यक्रम में कोई आम व खास लोगों की अलग से सुविधा नहीं होगी। कार्यक्रम में जो पहले आएंगे वे स्थान ग्रहण करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर रांची और चतरा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। श्री सिंह शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर से सीधे इटखोरी चतरा के लिए रवाना होंगे। भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वे चतरा में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे से श्री सिंह हेलीकॉप्टर से राजधानी पहुंचेंगे। यहां कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में वे प्रदेश पदाधिकारियों, रांची और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रबंध समिति, कोर कमेटी के सदस्यों व संयोजकों के साथ मंथन करेंगे। इससे पहले चतरा व पलामू के चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ उनकी बैठक निर्धारित है। वे 5:00 बजे दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे। मुख्य सचिव ने दिया निर्देश, अब नहीं होगी गर्मी में पानी की किल्लत। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या ना हो, इसको लेकर मुख्य सचिव एल ख्यागते ने सभी डैमों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिलों के नगर निकायों को पेयजल संकट से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाने और टोल फ्री नंबर जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं रांची के रुक्का, कांके और हटिया डैम को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने नगर विकास व पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा है कि जिन इलाकों में पाइपलाइन की सुविधा नहीं है वहाँ टैंकरों से पानी पहुँचाए, जहाँ टैंकर नहीं है वहाँ टैंकर खरीदा जाए। रांची नगर निगम के प्रशासक ने बताया है कि जलापूर्ति की आवश्यकता को देखते हुए रांची नगर निगम ने पानी के 20 नए टैंकर खरीदे हैं। इन टैंकरों द्वारा रांची नगर निगम क्षेत्र में निःशुल्क पानी पहुँचाया जाएगा। प्रथम चरण में निगम को 5 टैंकर प्राप्त हुए हैं। शेष 1 सप्ताह के भीतर फेज वाइज प्राप्त होंगे। एम्स देवघर में 17 पदों के लिए निकली वैकेंसी। एम्स देवघर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सहित 17 पदों के लिए प्रतिनियुक्ति आधारित वैकेंसी निकाली गई है। इससे संबंधित विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। एम्स मीडिया ग्रुप में उपलब्ध कराई गई जानकारी के तहत मेडिकल सुपरिटेंडेंट सहित 23 रजिस्ट्रार, ई इलेक्ट्रिकल, ई सिविल व सीनियर अकाउंट ऑफिसर के 1-1 पदों की बहाली होनी है। वहीं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 2-2 पदों की वैकेंसी है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 11, सहायक अकाउंट ऑफिसर के 2, सहायक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का 1 और प्राइवेट सेक्रेटरी के 1, चीफ फार्मासिस्ट का 1, सीनियर फार्मासिस्ट के 2, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का 1, पर्सनल सहायक के 3 व UDC क्लर्क के 7 पदों पर बहाली होनी है।
झारखंड के सीएम स्कूल में नामांकन के लिए आज अंतिम तारीख। अगर आप अपने बच्चों को झारखंड के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं तो आपके लिए खबर बड़ी काम की है। दरअसल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 मार्च है। बता दें आवेदन करने की प्रक्रिया 19 फरवरी से ही शुरू हो चुकी थी। ऐसे में अगर आप भी इस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं तो आप इस प्रक्रिया को पूरा करें। सबसे पहले आपको soyadmission.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन बटन जाकर स्टूडेंट रजिस्टर करने वाले ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद आपको स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड भरने का विकल्प मिलेगा जिसमें आप अपनी जानकारी भर सकते हैं। सरफराज और प्रदीप राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप वर्मा राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नामांकन वापसी के अंतिम दिन गुरुवार को इसकी समय सीमा खत्म होने के बाद विधानसभा के प्रभारी सचिव सह निर्वाची पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर ने दोनों को निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की है। साथ ही दोनों को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा। दो सीटों के लिए तीसरा प्रत्याशी नहीं होने के कारण दोनों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। बता दें झारखंड विधानसभा में प्रमाण पत्र ग्रहण के मौके पर डॉक्टर सरफराज अहमद के साथ राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी तथा झामो के अन्य नेता उपस्थित थे। वहीं डॉक्टर प्रदीप वर्मा के साथ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी तथा अन्य नेता उपस्थित थे। जेल में बंद हेमंत सोरेन पर सस्पेंस खत्म, चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी लोकसभा इलेक्शन में चुनावी ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में झारखंड के कई कदावर नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें इन कदावर नेताओं में शिबू सोरेन का नाम भी सामने आ रहा है। इसी साल 11 जनवरी को अपना 80वां जन्मदिन मनाने वाले सबसे धाकड़ नेता शिबू सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अधिक उम्र होने के कारण वे क्षेत्र में सक्रिय भी नहीं है। वहीं शिबू वर्तमान में राज्यसभा सदस्य भी हैं, उनकी जगह सोरेन परिवार के किसी सदस्य की चुनाव लड़ने की चर्चा है। क्या से अभी लगाया जा रहा है कि खुद हेमंत सोरेन भी जेल से ही दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं। होली पर बिहार यूपी जाने वालों के लिए 4 स्पेशल ट्रेन। होली के दौरान धनबाद होकर 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसमें रांची जयनगर, रांची गोरखपुर, रांची पूर्णिमा और रांची कटिहार स्पेशल ट्रेन शामिल है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनों की परिचालन तिथि की घोषणा के साथ ही टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। बता दें रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन 23 मार्च को रात 11:55 पर खुलेगी और रात 2:10 पर बोकारो, वहीं अहले सुबह 4:20 पर धनबाद और शाम 4:30 पर जयनगर पहुंचेगी। वहीं जयनगर रांची स्पेशल ट्रेन 24 मार्च को ही जयनगर से रात 11:50 पर खुलेगी और अहले सुबह 10:55 पर धनबाद और शाम को 4:45 पर रांची पहुंचेगी। सांसद बीडी राम के खिलाफ गढ़वा भाजपा के 19 मंडल अध्यक्षों ने फूका बिगुल। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वा जिला के विभिन्न प्रखंडों के 19 मंडल अध्यक्षों ने सांसद बीडी राम के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। गुरुवार को मेराल में बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव में सांसद बीडी राम को तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी बदलने की मांग की है। मंडल अध्यक्षों ने पलामू संसदीय क्षेत्र के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता को लोकसभा का प्रत्याशी बनाने की मांग की है। बता दें कि मेराल में ही सांसद बीडी राम मिरल ग्राम रेलवे स्टेशन पर रांची चोपन एक्सप्रेस के ठहराव पर हरी झंडी दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जिले के 27 मंडल अध्यक्षों में से 19 मंडल अध्यक्ष सांसद बीडी राम के खिलाफ बैठकर धरना कर रहे थे। चुनाव से पहले 2 रुपया सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। आम चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई के मोर्चे पर जनता को थोड़ी राहत दी है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये की कमी की गई है। नई दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू होगी। बता दें पेट्रोल डीजल के रेट में कमी से आम जनता ने राहत की थोड़ी सांस ली है। इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने महिला दिवस के अवसर पर घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य में कमी की थी। सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कमी की गई थी। नॉमिनेशन में प्रदीप वर्मा ने छुपाई संपत्ति जेएमएम। भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा के नॉमिनेशन एफिडेविट पर झामो ने सवाल खड़ा कर दिया है। झामो ने कहा है कि एफिडेविट के संपत्ति ब्यौरा में अपनी चल अचल संपत्ति को छिपाया है, यहां तक कि कई जानकारियां भी छुपाई है। उनकी संपत्ति उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक कहाँ कहाँ क्या है, इसके सारे दस्तावेज पार्टी के पास है। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर इलेक्शन कमीशन व्यस्त रहेगा, इसलिए अब चुनाव के बाद झामो इलेक्शन कमीशन में जाकर सारे दस्तावेज के साथ मिलेगा और इस निर्वाचन को चुनौती देगा। यह बातें पार्टी के प्रधान महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही है।
झारखंड पुलिस ने ईडी को ही भेजा समन, बुलाया थाना। झारखंड हाई कोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अफसरों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं लेने के आदेश के एक सप्ताह बाद झारखंड पुलिस एक बार फिर एक्शन में है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अफसरों के खिलाफ दर्ज कराए गए एससी एसटी केस में झारखंड पुलिस ने संबंधित अफसरों को समन भेजा है। उन्हें 21 मार्च को सुबह 11 बजे थाने में मौजूद रहने को कहा है। सोरेन ने ईडी अफसरों पर प्रताड़ित करने और पूरे समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया है। जिन लोगों को समन भेजा गया है उनमें ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा समेत अनुपम कुमार और अमन पटेल शामिल हैं। झारखंड में 16 से 18 मार्च तक बारिश अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम केंद्र ने 16 से 18 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जारी अलर्ट में तेज हवा के साथ ठनका गिरने की भी चेतावनी दी गई है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा जिला में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 18 मार्च के बीच 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं 20 मार्च को भी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसका असर राज्य भर में दिखेगा। 15 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्से में आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं। गोड्डा में चूल्हे की चिंगारी से 11 घर हुए राख। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड के फुलबड़िया गांव में गुरुवार की दोपहर 11 आदिवासी परिवारों के घर जलकर राख हो गए। आग चूल्हे से उड़ी चिंगारी से लगी और देखते ही देखते घरों को चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार खाना बनाने के क्रम में गाँव के बाबूजी टुड्डू के घर से उड़ी चिंगारी ने फूस के छप्पर को अपने अगोश में ले लिया और देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ते हुए 11 घरों तक पहुंच गई। जब तक ग्रामीणों की भीड़ जुटती और पानी की व्यवस्था करते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आग की तपिश इतनी जबरदस्त थी कि किसी को नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जेपीएससी परीक्षा को लेकर डीसी की बैठक। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी 17 मार्च को झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आयोजित की जाएगी। इसको लेकर गुरुवार को डीसी शशि रंजन ने बैठक की है। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सेंटर सुपरिंटेंडेंट, स्टैटिक दंडाधिकारी, उड़नदस्ता टीम के सदस्य समेत अन्य उपस्थित थे। बैठक में डीसी ने कहा है कि यह बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसे कदाचार मुक्त संपन्न कराए, सभी समन्वय स्थापित करते हुए काम करें ताकि परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हो सके। धन्यवाद।